हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का निर्माण एजुकेशनल इंडिया चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर का है, उसी का बारे में आज हम लोग जानेंगे और उसी को समझेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिए और इसे समझिए। इस साल जो भी बीएड सेकेंड ईयर में है तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद है। सो आप लोग ध्यानपूर्वक इसे समझिए। क्वेश्चन देखिए क्या है। विभिन्न प्रकार के ज्ञान को वर्गीकृत करने के आधार क्या है? किस प्रकार के ज्ञानों का समावेशन विद्यालय पाठ्यचर्या में होता है? तो गाइस, आज हम लोग बस इसमें एक क्वेश्चन पर जिक्र करेंगे, विभिन्न प्रकार के ज्ञान को वर्गीकृत करने का आधार क्या है, ठीक है। आज ज्ञान के वर्गीकरण को जानेंगे और विद्यालय पाठ्यचर्या हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, चूँकि उसको दोनों को लेके बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसी का आधार के बारे में जानेंगे और इसको ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रस्तावना क्या है। साधारणतः कहा जाता है कि जो हमारे मन को प्रकाशित करे उसे ज्ञान कहा जाता है। देखिए गाइज, आखिर ज्ञान किसे कहा जाता है? ज्ञान उसे कहा जाता है जो हमारे मन को क्या करे, जो हमारे मन को प्रकाशित करे। यानी यदि हम अंधकार में हैं तो प्रकाश का काम करें। मानिए कि अगर रात में आप बत्ती को बल्ब जो होता है उसे बुझा दीजिए, ऑफ कर दीजिए, और तो उस समय क्या होगा, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जी हुई एक मोबाइल का टॉर्च या कुछ भी मतलब रोशनी जला दीजिए तो उसी प्रकाश से आप लोग को उस रूम की सारी चीज़ें दिखाई देने लगेगी। तो क्या हो गया, जो ज्ञान होता है वो प्रकाश का काम करता है, ठीक है। ज्ञान क्या करता है, टॉर्च का काम करता है। ज्ञान का वर्गीकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रकार ज्ञान को क्या कहा जाता है, इसका एक वर्गीकरण वैज्ञानिक प्रोसेस भी माना जाता है। जैसे 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 ज्ञान का विस्तार होता है, विकास की प्रक्रिया तीव्रता से संपन्न होता है। आजकल देखिए कितना डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ज्ञान का विस्तार हो रहा है। ज्ञान का भले मतलब उसका वर्गीकरण अलग अलग है, उसका बंटवारा अलग अलग है, लेकिन विकास तो हो ना रहा है। ज्ञान शब्द देखिए, ज्ञान शब्द जो होता है ज्ञ धातु से बना है, ठीक है। ज्ञान शब्द किससे बना है, ज्ञ धातु से, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश है। देखिए इसको एकदम रट्टा मान लीजिए, ज्ञान शब्द जो होता है ज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, बोध, अनुभव एवं प्रकाश है। आसान शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु के स्वरूप का जैसा है वैसा अनुभव या बोध होना ज्ञान है। देखिए आसान शब्दों में क्या कहा जाता है, आसान शब्दों में कहा जाता है कि जो वस्तु जैसा है उसी प्रकार का ज्ञान होना क्या है, उसी प्रकार का मतलब हमें जो नॉलेज प्राप्त होता है उसी को ज्ञान कहा जाता है, ठीक है, उसके स्वरूप का। जैसे मानिए कि पहले देखिए ज्योग्राफी का नाम क्या पड़ा, भूगोल पड़ा। क्यों, क्योंकि पहले का लोग मानता था पृथ्वी क्या है, गोल है, तो गोल है। लेकिन फिर इस पर रिसर्च हुआ तो क्या पाया गया, पृथ्वी क्या है, पूरी तरह गोल नहीं है, बीच में क्या है, उभरा हुआ है, ओवल की तरह है, मतलब एक अंडाकार की तरह, मतलब इसकी एक अलग ही भू आकृति है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले जो लोग मानते थे क्या मानते थे, पहले मानते थे कि सूर्य क्या है, सूर्य चल रहा है। तो कई कई कविताओं में भी ऐसा लिखा जाता था कि सूर्य सुबह से शाम तक चलता रहता है, शाम को चला जाता है आराम करने। लेकिन बाद में इस पर रिसर्च किया गया तो हमारे वैज्ञानिकों ने क्या पाया, हमारे वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी सूर्य को गोल मतलब चक्कर लगा रही है, सूर्य नहीं, पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। तो क्या हो गया, ये वास्तविक ज्ञान हो गया, ठीक है। तो जो हम अंधकार में जी रहे थे हम प्रकाश की ओर आ गए, ठीक है, इसी को ज्ञान कहा जाता है। आगे हम लोग समझेंगे, ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है। देखिए जो भी मतलब प्रक्रियाएँ चलती है सब हमारे मन में चलती है, इसीलिए ज्ञान क्या है, ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है जो ज्ञाता के मन में हलचल पैदा कर देती है। देखिए ज्ञान एक प्रकार की मनोदशा है, एक मेंटल प्रोसेस प्रक्रिया है, इसीलिए क्या करता है मन में एक प्रकार का हलचल पैदा कर देता है, मतलब बेचैनी पैदा कर देता है, तभी तो इसका विस्तार होता है। देखिए अब ज्ञान को देखिए वर्गीकृत भी किया गया है, वर्गीकृत का मतलब होता है इसको बांटा गया। देखिए कैसे बांटा गया है,
ज्ञान को वर्गीकृत करने के लिए आधार निम्नलिखित है। देखिए उसके कुछ बेस है जिसे आज हम लोग समझेंगे। फर्स्ट है क्या है, दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार क्या होता है, फिलोसफर। देखिए जो फिलोसफर मतलब फिलोसफी लोग हैं वो भी अपने अपने अनुसार इसको बांटे हैं। तो जिसमें आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, बीएड फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना था आपको, बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ना है आपको आदर्शवाद के बारे में, जिसमें मुख्य रूप से आते हैं सुकरात आते हैं, प्लेटो आते हैं। तो ये लोग क्या बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, सत्य की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। और वहीं देखिए प्रकृतिवाद है, तो प्रकृतिवाद प्रकृति की बात करता है। वो बोलता है जो कुछ है, प्रकृति से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और प्रकृति गुरु है, प्रकृति ही दंड देगी। इसीलिए बच्चों को किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि टीचर को एक मालिक की भांति होना चाहिए, जो कुछ करना है प्रकृति करेगी, ऐसा प्रकृतिवाद कहता है। अब प्रकृतिवाद के समर्थक कौन है, रूसो है। उसके बाद आपको आते हैं प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में आपको आते हैं जॉन डीवी। तो इसमें क्या है, इसमें प्रैक्टिकल रूप से ज़्यादा जोर दिया गया करके सीखने पर, इसीलिए तो जॉन डीवी प्रोग्रेसिव शिक्षा के समर्थक है, ठीक है। और उन्होंने ही क्या किया था, त्रिध्रुवीय मतलब शिक्षा का जो त्रिध्रुवीय रूप है, किसने मतलब इसका प्रोसेस मतलब किया प्रतिपादन किया, वो जॉन डीवी थे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे। सेकेंड आपको सामाजिक आधार। सेकेंड है आपको सामाजिक आधार। सामाजिक आधार के देखिए इसमें समर्थक कौन आते हैं, वाइगोत्स्की। देखिए हमारे जो वाइगोत्स्की कहाँ के थे, रसिया के थे, ठीक है। ये ज़्यादा दिन तक तो नहीं जीवित पाए, मतलब 38 से 37 ऐसे ही इतना ही दिन तक रहे, लेकिन इनका जो भी सिद्धांत है बहुत ही बढ़िया है। इनका बहुत फेमस है आपको सोशल कल्चरल थ्योरी प्लस आपको GDP, और जो इसको फोल्डिंग ब्रून ने दिया था उसका इन्होंने प्रैक्टिकल रूप से मतलब प्रयोग किया, बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो इनका कहना है कि बच्चे जो है वो मतलब समाज में रहकर बहुत कुछ सीखते हैं, वो सामाजिक अंतक्रिया करते हैं, और सामाजिक अंतक्रिया के फलस्वरूप वो अपने वयस्क से उनसे जो एम के वो मतलब उनसे जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है उससे बहुत कुछ सीखते हैं। इसी प्रकार हमारे अरस्तु महोदय जी भी कहे हैं कि जो इंसान क्या होता है, एक सोशल एनिमल है, इसीलिए समाज में ही रहकर वो कुछ भी सीख सकता है। जिस समाज में जो इंसान नहीं रहता है वह क्या है, देवता है या दानव है, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक आधार। देखिए राजनीतिक आधार में आपको आता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा जो संविधान है क्या है, एक मतलब एक ऐसा ढांचा है जो इंसान को क्या करता है, एक मतलब समता एवं न्याय की बात करता है। आखिर रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है, इसीलिए कि अगर केवल समानता को देखा जाए तो फिर न्याय नहीं होगा। मानिए कि स्त्री हुए, चाहे शेड्यूल कास्ट हुए, चाहे जनजाति हुए, बहुत ऑलरेडी पिछड़े हैं। अगर केवल समानता को देखा जाए तो क्या होगा, जो आगे शुरू से अपर कास्ट बढ़े हैं बढ़ते चले जाएंगे और घटते चले जाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया है, ज़रूरत के हिसाब से मतलब जो मतलब पहले से दबे हुए हैं उनको रिजर्वेशन द्वारा जो मतलब आगे हैं उनके बराबर करने के लिए दिया जाता है रिजर्वेशन, ठीक है। तो यानी समानता भी होना चाहिए और न्याय भी होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, एक मतलब एक राजनीतिक आधार हो गया। उसके बाद से आपको आता है 4 नंबर है आपको प्राकृतिक आधार। देखिए प्राकृतिक आधार में क्या होता है, नेचुरल मतलब नेचुरलिटी की बात करता है, इसमें प्रकृति की बात किया जाता है। तो प्राकृतिक आधार पर भी ज्ञान हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, पहाड़ों से बात मतलब पहाड़ों से भी कर सकते हैं। आप बहुत ऐसे विद्वान है, चाहे लोगों को देखे होंगे जो पेड़ पौधे से भी बात किया करते हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस है ये सब क्या है, प्राकृतिक रूप से भी लोग नॉलेज प्राप्त करता है। उसके बाद से देखिए आर्थिक आधार। आर्थिक रूप से भी अलग अलग दुनिया में हर कोई है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। तो ये जो मतलब विविधता है, डाइवर्सिटी है, चाहे विभिन्नता है, इससे भी हम देख के बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नैतिक आधार, देखिए नैतिक आधार के समर्थक है सबसे बड़े, अगर कोई बात इसके बारे में अपना थ्योरी अपनाए हैं तो कोहल वर्ग हैं, ठीक है। वो हर बात में अपना नैतिक सिद्धांत दिए हैं, जिसमें सस्पिशन टाइप का दिए हैं, ठीक है। मतलब जैसे कोई करेगा तो वो क्या होगा, अपराध होगा कि न्याय होगा, ऐसी बात करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कितना लेवल दिया, 3 लेवल दिया, और स्तर कितना था उनका, उसी को सबको 2-2 में यानी 6 स्टेजेस में बांट दिया, ठीक है।
तो नैतिक आधार आपको हो गया। नैतिक का मतलब होता है जब हम सही और गलत में पहचान करने लगे तो उसको क्या कहते हैं, नैतिकता कहा जाता है, मॉरलिटी कहा जाता है, ठीक है। जैसे सत्य, ईमानदारी, ये सब क्या है, नैतिकता है। देखिए मानवीय आधार में आपको आता है कि ये सबसे ऊपर है, माने जात जाति धर्म सबसे ऊपर है मानवीय आधार। जैसे आपको, आप लोग पढ़े होंगे एक एक श्री नारायण गुरु का, बहुत ही विद्वान आदमी थे। देखिए उन्होंने जो वहाँ के केरल में एझुवा जो जाति था उनके साथ जातीयता किया जा रहा था, उनके साथ धर्म धार्मिक रूप से जो उनको उन पर अत्याचार किया जा रहा था हर जाति रूप से, तो इसका मतलब उन्होंने विरोध किया और उन्होंने आंदोलन चलाया। उनका एक ही नारा था, एक एक जाति एक धर्म और एक गुरु। उनका कहना था कि देखिए मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। तो मानवीय आधार का मतलब होता है इंसानियत। लोग नहीं कहता अरे तुम्हें इंसानियत नहीं है। अब देखिए धार्मिक आधार, धार्मिक आधार पर जो नॉलेज होता है, जैसे मानिए कि हिंदुओं का सनातन धर्म है, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, फिर भगवत गीता हो गया, उसी प्रकार से मुस्लिम्स का, मुस्लिम का देख लीजिए कुरान है और क्रिश्चियन का बाइबिल है। तो कहने का सेंस है, फिर बौद्ध लोग का अपना है, फिर जैन का है, तो ये सब क्या है, धार्मिक आधार पर भी हर अपना अपना क्या है, मतलब ज्ञान का आधार है। उसके बाद से देखिए आध्यात्मिक आधार, आध्यात्मिक आधार में माना जाता है कि जो अध्यात्म की बात करता है, आर्ट ऑफ लाइफ की बात करता है, ठीक है। जैसे हमारा उपनिषद है, तो उपनिषद क्या है, अध्यात्म का बात करता है, इसमें कोई रूढ़िवादिता नहीं है, ठीक है। तो अध्यात्म के समर्थक आपको राजा राम मोहन राय भी थे, और उसके साथ ही आप लोग मतलब अध्यात्म आध्यात्मिकता का बात करता है। और आजकल देख लिए ओम शांति में, चाहे बौद्ध में ही, वहाँ बहुत लोग जाते हैं मेडिटेशन करने, यानी वहाँ पे बस खुद के अंदर झांकना रहता है, खुद के अंदर देखना रहता है कि ये क्या है, शरीर हमारा क्या है, ये शरीर है तो फिर शरीर है, आखिर अंदर कौन है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, फील रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और आखिर अंदर क्या है कि जिसके चले जाने से शरीर को इसके घर वाले जो इतना प्यार करते वो एक से दो दिन तक इससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, आखिर इसके अंदर क्या है जो इसको मतलब इसको जीवंतता दे रहा है, इसको जीवित रखा है, इसका वैल्यू बढ़ाता है। तो उन लोगों ने किसका बात की है, चेतन आत्मा की बात की है, आत्मा की बात करते हैं, चेतन की बात करते हैं कि हमारे अंदर वो चेतन शक्ति है जिसे शरीर का वैल्यू है, और वो चेतन शक्ति को ये शरीर मिला है कुछ वर्क करने के लिए कि तुम मनुष्य जिंदगी में आए हो तो कुछ कर्म करो, कुछ सत्कर्म करो जो दूसरे के लिए क्या हो मतलब काम आए, कुछ ऐसा काम करो, ठीक है। ये तो दुनिया क्या है, ये दुनिया एक जंगल की भांति है, और जंगल में कौन रहते हैं, जंगली लोग रहते हैं। तो क्या वहाँ पे मतलब शेर है, भालू है, तो अगर मानिए कि शेर है लोमड़ी को खा गया तो किसको गलत कहा जाएगा, लोमड़ी को कि शेर को गलत कहा जाएगा। तो यहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान को नोचने के लिए बेचैन है, इसको परेशान करने के लिए बेचैन है, इसीलिए कि सब में जंगली जानवर है। जब तक उस चेतन आत्मा को बुद्ध का मतलब उसको बोध नहीं प्राप्त होता है तब तक क्या है, वो बेकार है, वो बेकार है, ठीक है। तो जैसे हमारे महात्मा बुद्ध महावीर थे, तो वो भी क्या थे, जब तक मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तो वो भी क्या थे, वो भी एक साधारण मतलब जैसे जंगल है, जंगली इंसान की तरह ही थे। लेकिन जब उन्होंने तप किया, कठिन तप किया, तप भी नहीं, कठिन तप कहा जाएगा, 12 साल का कोई तप आसान नहीं होता है, तो उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब क्या हो गया, उनकी चेतन आत्मा जागृत हो गई, उनका जंगली स्वभाव छूट गया, तो वो क्या हो गया, आध्यात्मिक आधार इसको बोला जाता है। उसके बाद से देखिए सांस्कृतिक आधार होता है। सांस्कृतिक आधार का मतलब होता है कि कल्चर देखिए कल्चरल रूप से भी हर कोई अलग है। अब खुद हमारे भारत में ही देख लीजिए, आप पूर्वोत्तर में जाइए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, तो उधर मणिपुर, तो क्या देखिएगा, हर चीज़ अलग है, पहनावा, ओढ़ावा, खान पान सब कुछ अलग है। वहीं चले जाइए मध्य भारत में, यहाँ का अलग है, फिर आपको मतलब पश्चिम में जाइए गुजरात में, वहाँ अलग है, नीचे जाइए चेन्नई में, वहाँ का अलग है, आप लद्दाख साइड में ऊपर जाइए जम्मू कश्मीर में, वहाँ का भौगोलिक रूप से भी सांस्कृतिक रूप से हर
मतलब आधार पे अलग है, तो वहाँ जाने पे हमें क्या होगा, अलग अलग ज्ञान प्राप्त होगा। अब आप लोग चले जाइए गुजरात में, तो वहाँ शाकाहारी को बढ़ावा है, ठीक है। वहीं अंडमान निकोबार में जाइए, वहाँ मांसाहारी ही मांसाहारी है, तो क्या है, सांस्कृतिक रूप से भी अलग अलग है, तो इससे भी हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद से आप लास्ट 9 पॉइंट पर आइए, मतलब लास्ट देखिए वैज्ञानिक आधार है यानी साइंटिफिक आधार। आज देखिए आज के ज़माने में बच्चे किस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, साइंस पे, यानी जो हमें दिखता है। साइंस किसके बात करता है, जो हमें दिखता है वही सत्य है, जो नहीं दिखता है उसके बारे में कौन सोचे। तो ये क्या हो गया, ये वैज्ञानिक आधार हो गया, यानी फैक्ट की बात करता है, सत्यता की बात करता है, जिसमें वैधता हो विश्वसनीयता हो वही तो साइंस है। अब देखिए इसके अन्य आधार भी है कुछ, मतलब हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने आधार पर ज्ञान को देखा है, जैसे प्लेटो है। तो प्लेटो देखिए 3 प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं, एक हो गया आपको इंद्रिय जनित, क्या हो गया, इंद्रिय जनित, अनुभव जन्य ज्ञान, अचिंतन जन्य ज्ञान। देखिए ये एक बात करते हैं इंद्रिय जनित ज्ञान, मतलब इंद्रिय जनित का ज्ञान का मतलब होता है सेंसरी, यानी सेंसेस से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए प्याजे का थ्योरी भी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, बीएड फर्स्ट ईयर, तो उसमें प्याजे भी बोलते हैं कि एक बच्चा जब 2 साल तक जो बच्चा है, मतलब 0 से 2 साल यानी जन्म से 2 साल, तो उस समय तक बच्चों को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उनके इंद्रिय से। जैसे 5 इंद्रिय है ना, नाक कान जीभ आपकी त्वचा है, तो देखिए ये सब जो हमारी जो 5 इंद्रिया है उनसे बच्चे जैसे आँख द्वारा देख के मतलब ज्ञान प्राप्त करेगा, कान द्वारा सुन के करेगा, फिर जीभ द्वारा स्वाद लेकर करेगा, फिर आपको त्वचा से अनुभव करेगा, तो क्या है, इंद्रिय जनित ज्ञान है। फिर सेकेंड में आइए अनुभव जन्य ज्ञान। अनुभव जन्य ज्ञान का मतलब होता है हम अपने लाइफ में क्या होते हैं, बहुत ऐसे मतलब लाइफ में रहते रहते हमें इतने अनुभव हो जाते हैं कि हम अनुभवी कहलाने लगते हैं, तो हमारे एक्सपीरियंस से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको अनुभव जन्य ज्ञान कहा जाता है। जैसे अगर हम बैठेंगे 70-80 साल के व्यक्ति के पास, तो उसमें कोई सफल व्यक्ति होता है अपने जीवन में, कोई असफल व्यक्ति होता है। जैसे इरिक्सन के सिद्धांत में आप पढ़े होंगे, कैसा व्यक्ति सफल होता है कैसा असफल होता है। उन्होंने इरिक्सन ने 8 अवस्थाओं में बताया है कि जब एक बच्चा छोटा रहता है उसी समय जब उसकी माँ अनादर करने लगती है, वही बच्चा आगे तक क्या होता है अपने लाइफ में असफल होता जाता है। वही एक छोटा बच्चा जिसको पूरा लाड प्यार मिला रहता है, आगे तक वो क्या होता है उसका विचार अलग हो जाता है। उसी को क्या होता है जब लास्ट एज में इंसान पहुँचता है तो अपने अनुभवों की बात करता है, कोई अपनी ज़िंदगी में रोना रोता है कि हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, बस मुझे असफलता ही असफलता मिली। वहीं देखिए कोई व्यक्ति कहता है मैं तो अपने 0 से हीरो बन गया, अपने लाइफ में इतना कठिन मेहनत किया कि 0 से हीरो बन गया, ठीक है। और देखिए अब आपको थर्ड नंबर है चिंतन जन्य ज्ञान। चिंतन जन्य ज्ञान का मतलब होता है चिंतन द्वारा, देखिए इसमें होता है रीजनिंग, मतलब अपने तर्क द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, मतलब अपने चिंतन मनन द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं चिंतन जन्य ज्ञान। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्लेटो का क्या है, 3 है, 3 ज्ञान का वर्गीकरण है, एक है आपको इंद्रिय जनित ज्ञान, एक है अनुभव जन्य ज्ञान, एक है चिंतन जन्य ज्ञान, ठीक है। अब देखिए शंकराचार्य महोदय जी, देखिए इनको मतलब माना जाता है अद्वैतवाद की क्या है समर्थक है, अद्वैतवाद ज्ञान के मतलब इनको जनक कहा जाता है, ये तो इनको समझाते हैं। ये देखिए 2 प्रकार से ज्ञान मतलब दिए हैं, एक है अपरा एक है परा, क्या है, एक है अपरा एक है परा। अपरा जो ज्ञान होता है भौतिक सांसारिक की बात करता है, यानी भौतिक मतलब सांसारिक ये जो है भौतिक सांसारिक मतलब होता है जैसे ये भौतिक जैसे हमारा जगत है, ठीक है, इसमें जो भी रिश्ते नाते हैं, जो हमें सुख दुख मिलता है एक दूसरे से, जो भी हमें जो भी तकलीफ मिलता है चाहे माने कि प्यार मिलता है, सब सांसारिक है, ठीक है। परा में होता है शुद्ध एवं आध्यात्मिक ज्ञान, यानी इसमें आत्मा की बात होती है परमात्मा की बात होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है शुद्ध एवं आध्यात्मिक ज्ञान, जो आत्मा परमात्मा की बात करता है, चेतन अचेतन की बात करता है, इसको परा ज्ञान कहता है। इस प्रकार देखिए शंकराचार्य ने कितने प्रकार के ज्ञान दिए हैं, 2 ज्ञान दिए हैं, एक दिए हैं अपरा एक दिए हैं परा। अपरा हो गया सांसारिक चीज़ें और परा हो गया आध्यात्मिक चीज़ें, ठीक है। और थर्ड नंबर में आते हैं, देखिए थर्ड नंबर में आपको हम लोग को पढ़ना है
देखिए थर्ड नंबर में आता है जैन दर्शन। क्या होता है जैन दर्शन? देखिए जैन दर्शन है जिसके मतलब 24वें तीर्थंकर महावीर को माना जाता है, ठीक है। और आपको प्रथम है ऋषभ देव और 23वें है पार्श्वनाथ, ठीक है। तो जैन धर्म में भी दो प्रकार के होते हैं, इसमें श्वेतांबर होते हैं, दिगंबर होते हैं। तो इसमें जो श्वेतांबर होते हैं वे कपड़ा लगाते हैं, दिगंबर होते हैं कपड़ा नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए इन्होंने तीन प्रकार के ज्ञान की बातें की है, मति श्रुति अवधि। कितने प्रकार के? तीन प्रकार की, मति श्रुति अवधि, मति श्रुति अवधि, ठीक है। मति का संबंध किससे है? मन से है, यानी मन से। मन का मतलब है जो हम अपने ज्ञान इंद्रियों से अनुभव करें, जो हमारे मन में ज्ञान प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? मति ज्ञान कहते हैं। श्रुति का ज्ञान होता है कि प्रवचन कथावाचक, यानी जो हम सुनकर प्राप्त करें। श्रुति का मतलब होता है जो हम सुनकर प्राप्त करें। सुनकर प्राप्त करने का मतलब होता है प्रवचन कथावाचक, यानी जो कथावाचक होता है ना, चाहे बौद्ध हुए, चाहे जैन हुए, चाहे सत्य साई है, इन लोग के आप जाइएगा ना सत्संग में तो कुछ ना कुछ कथा प्रवचन मिलता है। तो क्या होता है ये आपको श्रुति हुआ, मैंने सुन के हम लोग मोटिवेट होते हैं, ठीक है। अब आपको देखिए लास्ट में अवधि, अवधि ज्ञान में आता है अंतर्दृष्टि। देखिए अंतर्दृष्टि ज्ञान आपको सुन के देख के नहीं हो सकता है। जब तक आप कठोर तपस्या नहीं कीजिएगा, संन्यास ग्रहण नहीं कीजिएगा, अंदर की आत्मा नहीं जागेगी, तब तक दृष्टि ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए तो पूछा जाता है कि बौद्ध और जैन में क्या चीज़ की समानता है। देखिए बौद्ध और जैन दोनों धर्म मतलब क्या मानता है कि जब तक हम संन्यास नहीं प्राप्त कर लेते तब तक हमें क्या होगा, ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए बुद्ध को भी मतलब उनके चेतन आत्मा को जगाने के लिए, उनको अंतर्दृष्टि को जगाने के लिए क्या करना पड़ा था? घर का त्याग करना पड़ा था। महावीर को भी अपने अंदर की चेतन और आत्मा को जगाने के लिए क्या करना पड़ा था? उनको भी घर का त्याग करना पड़ा था, तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो अंतर्दृष्टि का मतलब होता है अंदर की आत्मा का जागना। अब फोर्थ नंबर देखिए कांट है। कांट जो महोदय जी है इन्होंने दो प्रकार के ज्ञान की बात करते हैं, एक क्या होता है प्रागनुभवी ज्ञान, एक अनुभवी ज्ञान। क्या होता है? प्रागनुभवी ज्ञान, प्रागनुभवी ज्ञान, अनुभवी ज्ञान। क्या होता है? प्रागनुभविक ज्ञान, अनुभविक ज्ञान। देखिए प्रागनुभविक इसका मतलब होता है ये जन्म के समय तक कुछ समय तक चलता है, ये सब औपचारिक ज्ञान होता है जो स्कूल में प्राप्त करते हुए जीवन भर थोड़ा हम स्कूल जाते रहेंगे, उसका एक फिक्स टाइम ना होता है कि आप वन क्लास से शुरू किए PhD में जाके ख़त्म हो गया। लेकिन एक अनौपचारिक जो ज्ञान होता है जन्म से मरण तक चलता रहता है, उसी तरह आपको अनुभविक ज्ञान है से टुम तक चलता है, यानी जो गर्भ से लेके आपको कब्र तक चलता है अनुभव ज्ञान, ठीक है। तो प्रागनुभविक ज्ञान को समझेंगे जिसका समर्थक क्या है? चौमौस्की है। तो चौमौस्की देखिए चौमौस्की को आप लोग को सीटेट में पढ़ना होगा, इसमें हिंदी में बहुत पूछता है चौमौस्की। चौमौस्की का देखिए जैसे माने लॉक बोले थे जॉन लॉक कि एक बच्चा जो होता है कोरा पट्टिया होता है, धीरे धीरे क्या होता है अनुभव द्वारा उस पर लिखावट आ जाता है। लेकिन नहीं, चौमौस्की इस बात को कट करते हैं और उनका कहना है कि बच्चा कोरा कागज उगज नहीं होता, उसके अंदर ऑलरेडी एक्विजिशन पावर होता है ज्ञान प्राप्त करने की, ऑलरेडी पहले से क्या होता है उसके अंदर एक ऐसा मशीन होता है कि जैसे पावर होता है जो दुनिया में मतलब जब आता है तो वो मतलब हर चीज़ को देख के वातावरण में चाहे परिपक्वता से हेरिडिटी से जो भी है उसमें ज्ञान प्राप्त कर लेता है, ऐसा चौमस्की हमारे महोदय जी बात करते हैं। फिर देखिए प्रागनुभाविक है, प्रागनुभाविक के समर्थक कौन है? मैकडूगल भी है। और देखिए मैकडूगल क्या कहते हैं, जो प्रागनुभविक जो होता है क्या स्वाभाविक होता है, माने ज्ञान क्या होता है? स्वाभाविक होता है। क्या होता है? स्वाभाविक होता है, ठीक है। तो आप देखिए आप तो हम लोग समझ गए कांट दो प्रकार की बात करते हैं ज्ञान की, एक प्रागनुभविक जो जन्म के समय से शुरू होता है, और मैकडूगल कहते हैं स्वाभाविक भी होता है, अनुभविक ज्ञान जो जन्म से मरण तक चलता है, ठीक है, जब तक हमारी मौत नहीं आती तब तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, इसको अनुभविक ज्ञान कहा जाता है। आप देखिए अब कंक्लूजन पे आएंगे तो निष्कर्ष तक कहा जा सकता है। देखिए क्या कहा जाएगा, ज्ञान वह अनुभूतिक शक्ति है जिसकी सहायता से व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। देखिए निस्संदेह इसमें कोई संदेह नहीं है, ज्ञान ही ऐसा सीढ़ी है, ज्ञान ही ऐसा प्रकाश है जिसकी सहायता से हम कोई भी काम कर सकते हैं, हमारे ज़िंदगी में लाख समस्या हो उसका समाधान कर लेते हैं। जब कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी के हर दरवाजे बंद नज़र आते हैं, हम ज़िंदगी में बहुत अकेला महसूस करते हैं, बहुत अंधेरा महसूस होता है, लेकिन उसी समय देखिए क्या होता
देता है, ज्ञान रूपी जो प्रकाश है हमारे मन को प्रकाशित करता है और बोलता है कि देखो जिंदगी के सभी दरवाजे बंद नहीं होते, कोई ना कोई एक दरवाज़ा खुला रहता है। इसीलिए ये हमारे अंदर आशावादिता को बढ़ावा देता है। यह व्यक्ति में उपस्थित योग्यता या क्षमता है जिसे वह अपने अनुभवों की पुनर्रचना एवं संगठन करता है। देखिए ज्ञान के द्वारा ही हम अपने अनुभवों को क्या करते हैं, पुनर्रचना कहते हैं। कभी कभी हमारे नहीं कहा जाता है कि समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है। कभी कभी हम बहुत मतलब मेहनत करते हैं लेकिन मिट्टी छोड़ते हैं सोना हो जाता है। कभी कभी कम मेहनत ही करते हैं और वही क्या होता है, सोना छुए तो मिट्टी हो जाता है। तो हम बहुत मतलब क्या होता है, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत क्या करें क्या नहीं करें। उस समय ज्ञान हमें क्या करता है, ज्ञान हमें हमारा हाथ पकड़ के क्या करता है, रास्ता दिखाता है, हमारा गाइडलाइन का काम करता है। ठीक है, तो ज्ञान सत्य तक पहुंचने का समाधान है। वो हमें सत्य तक ले जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो घाटा हुआ, नाफा हुआ, लॉस हुआ, कोई तुमको कोई अब्यूज़ किया, कोई तुम्हारा कदर नहीं किया, तो इसे टेंशन मत लो। ज़िंदगी का क्या नाम है, ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तुम यूनिक हो, तुम कुछ कर सकते हो। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। हर इंसान अपने आप में कुछ है। तुमको कोई डिमोलाइज करे उसे तुम डिमोलाइज नहीं हो सकते। है कोई नसीब का बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, कोई कमज़ोर होता है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई मेहनत करना छोड़ दे। मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें ज्ञान से ऐसी नॉलेज प्राप्त होता है। ज्ञान सत्य तक पहुँचने का समाधान है। वो हमारे कठिन से कठिन समस्या का समाधान करना सिखाता है। विचार ज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ सामग्री का काम करता है। वही ज्ञान के द्वारा ही हमारे मन में विचार उत्पन्न होता है। और विचार क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ सामग्री यानी कंटेंट का काम करता है। तो गाइस आज हम लोग इस क्वेश्चन को मतलब ज्ञान के वर्गीकरण को कंप्लीट कर लिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ज्ञान के वर्गीकरण क्या है। तो आज हम लोग वर्गीकरण समझे। तो प्लीज़ यदि आप लोग चाहते हैं ऐसे ही आपको नोट्स मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्या कीजिए, घंटी को दबा दीजिए, जिससे हम आगे का वीडियो डाले तो आप तक पहुँच पाए और आप लोग की तैयारी और अच्छी हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत।